मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि MTV Unplugged जैसा जो एक प्लेटफॉर्म है वो म्यूजिशियंस के लिए एक मेक्का होता है. हमारी जो म्यूजिकल कारीगरी है वो हमें पेश करने का मौका मिलता है. सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड. हमने काफ़ी प्रेपरेशंस किए हैं, 3 महीने से मैं और अमल दोनों प्रेपरेशंस कर रहे हैं हमारे बैंड के साथ. और खुशी की बात ये है जो बैंड मेरे साथ परफॉर्म करता है लाइव कॉन्सर्ट्स पे, मैंने उन्हें ही यूज़ किया है MTV Unplugged में. यू नो मैनी पीपल MTV Unplugged के लिए वो अलग अलग म्यूजिशंस को इकट्ठे करके लेके आते हैं, लेकिन मैंने अपने खुद के बैंड के साथ परफॉर्म किया. ऑब्वियसली थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फ्लूट पे मैंने पारस नाथ को लिया है, इसराज प्लेयर लिया है मैंने, सैक्सोफोन लिया है, स्ट्रोक्स प्लेयर लिया है. तो बहुत ही एक जो हमारी जो म्यूज़िक को जो एक रंग मिला है वो बहुत खूबसूरत है. सो आई कांट वेट फॉर एवरीवन टू सी इट. इतने सारे लोग स्टेज पर रहने वाले, अब आपने अपनी तरफ से क्या प्रिपरेशन की? क्योंकि आप और अमाल की जो ट्यूनिंग है वो तो हमने देखी है, लेकिन जो दूसरे सिंगर्स हैं, जैसे अगर हम शंकर सर की बात करें या फिर दूसरे सिंगर्स की बात करें, रेखा जी की बात करें, तो उनके सामने परफॉर्म करने के लिए कोई नर्वसनेस थी आप में? एक्चुअली उनके सामने हमने परफॉर्म नहीं किया. हर एक का अलग अलग एपिसोड था, तो हम लोग ने सिर्फ फैंस के लिए परफॉर्म किया. एंड ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था बिटवीन अस म्यूजिशियन. हम सब इकट्ठे करके एक जो सीज़न है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक एपिसोड अपने खुद की एक स्टोरी है. सो कोई कंपटीशन जैसा कुछ नहीं था, बस यही है कि म्यूजिकल जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई हो चुका है ऐसे आर्टिस्ट्स का मिलना एक स्टेज पे. तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा जो हमने एपिसोड किया है वो लोगों के दिल तक पहुँचे एंड उस म्यूजिकल स्टैंडर्ड तक आए. बट मैं श्योर हूँ कि पीपल रियली रियली लव. आजकल जो है रिक्रिएट सॉन्ग, रिक्रिएट करने का जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो ऐसा कोई गाना है जिसको आप रिक्रिएट करना चाहें? अगर वो गाने की दो लाइन हमारी ऑडियंस के लिए आप गुनगुनाना चाहेंगे? मेरा एक ख्वाहिश है हमें तुमसे प्यार करते हैं, हम नहीं जानते मगर क्या हिंदी मराठी क्या है? हिंदी क्या कहना चाहेंगे सर MTV Unplugged के बारे में? MTV Unplugged एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक आर्टिस्ट को न केवल उसके गाए हुए गाने, न केवल उसकी जो पसंदीदा गाना है या ऐसे गाने जो स्टेज में गाते हैं वो परफॉर्म करने का चांस मिलता है. इट्स ऑल्सो उस गाने को किस तरह से वो पेश करना चाहते हैं, किस तरह से इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या इन्फ्लुएंसेस लाना चाहते हैं, नए म्यूजिशियंस को पेश करना चाहते हैं जिनके साथ आप इंट्रैक्शन करने की एक ख्वाहिश रहती है लेकिन यू नेवर गेट अ चांस. तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक आर्टिस्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये जो लोग इस प्लेटफॉर्म के पीछे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो चैनल हैं, वो म्यूज़िकल लोग हैं, वो म्यूज़िक समझते हैं और एक आर्टिस्ट के अंदर की भावना समझते हैं. सर देखा जाए तो फिर सॉन्ग को रिक्रिएट करना पड़ता है, देखा जाए तो फिर तो कभी नर्वसनेस है, तो फिर कभी डर लगा रहता है कि शायद ये गाना खराब हो जाए? डर नहीं लगा रहता, क्योंकि हम लोग बेसिकली वी आर इम्प्रोवाइजिंग म्यूजिशियंस, जो हम लोग ऐसे अपॉर्चुनिटीज के लिए तरसते रहते हैं कि हम किस तरह से नए अरेंजमेंट्स, नए कॉर्ड प्रोग्रेशंस, नए म्यूजिशियंस के साथ हम काम करें. तो जब एक ऐसा मौका मिलता है तो हम लोग टूट पड़ते हैं उस पर. इस बार तो तीनों फैमिली आ गए साथ में, और सर सेकेंड आपसे देखा जाए कभी काफ़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है सिंगिंग इस फील्ड में, क्या क्या सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कितने टिप्स मिलते हैं सर से आप लोग दोनों से? क्वेश्चन तो सेक्रीफाइस तो अभी तक पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली टिप्स तो सबसे जितने टिप्स ले सकता हूँ उतने टिप्स तो लूँगा ही. ऑब्वियसली जब वो घर पे ही रहते हैं तो जब ही म्यूज़िक की बात चालू रहती है, साथ में रियाज होता है, तो ऑब्वियसली जितने जो भी मुझे म्यूज़िक के बारे में नॉलेज मिल सकता है वो पूछता हूँ, और अच्छा आगे बढ़ते हैं. अच्छा कभी डांट पड़ी है देखा जाए तो? नहीं नहीं बिल्कुल इससे कम डांटने वाले पता है सच्ची में. किसके बारे में क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं? सेक्रीफाइसेस आई थिंक ओनली ट्रैवल जब ही होता है तभी आई थिंक कभी कभी सेक्रीफाइसेस होते हैं, वेर यू मिस आउट ऑन सम फैमिली इवेंट या कोई फ्रेंड का बर्थडे हो या दोस थिंग्स. बट आई थिंक जो प्रोफेशन में हम हैं आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग
यू गेट पेड टू ट्रैवल, आपको परफॉर्म करने के लिए यू नो यू गेट पेड टू डू व्हाट यू लव. स्टेज पे खड़े रहकर आप जब भी हज़ारों लोगों के लिए परफॉर्म करते हो, आई डोंट थिंक उससे बेटर कोई हाई हो सकता है एक आर्टिस्ट के लिए. सो आई थिंक सैक्रिफाइसेस इतने होंगे तो ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है. फाइनली उसके बाद सर के साथ आप स्टेज शेयर करने वाले देखा जाए तो फिर किस तरह का फीलिंग है? एक्साइटमेंट, नर्वसनेस? नहीं नहीं, घर पे बहुत, और फील्ड पे देखा जाए तो डिफरेंट होता है. बहुत बहुत मज़ा, बहुत मज़ा आता है ऑलवेज. ये पहली बार नहीं है कि हमने स्टेज शेयर किया, तो ये पहले भी हो चुका है, तो ऑलवेज इट्स सच अ फन, सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो इस बार भी बहुत मज़ा आया था, और थैंक्स टू रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट एमटीवी अनप्लग्ड हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए. थैंक यू.